अकोड़ी गोला के सीओ बिना पैसा करता नहीं है और सब कागज रख लेता है फाइल में, कहता है भुला गया फेन से दो। तो कितना के तीन बार तो दिए और फिर चौथा बार में यहाँ आए हैं। तो यहाँ ठहराने के जगह नहीं है, मुख्यमंत्री के बुलाते के वो यहाँ दरवाजा में परसों आना ऐसे ही करता है, रटा रटा करके मार डाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेम यादव। के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो जनता दरबार लगाते हैं और लोगों का फरियाद सुनते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जनता दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं और बाहर रुक गए हैं, और इनका पहले समस्या जाने। क्या प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम है खेती पदारी का, सब जगह से कागज जाता है, अकोड़ी गोला के सीओ बिना पैसा करता नहीं है और सब कागज रख लेता है फाइल में, कहता है भुला गया फेन से दो। तो कितना के तीन बार तो दिए और फिर चौथा बार में यहाँ आए हैं। कागज नहीं लेता है? ले लेता है। हाँ। बिना पैसा के कामे नहीं करेगा। सीओ पैसा मांग रहा है? हाँ हाँ। कौन सीओ है? अकोड़ी गोला। सीओ का नाम क्या पता है उसको? कौन से जिला से आया है? बिहार से। उसको है नंबर हमारा डायरी में। कौन से जिला से आए? रोहतास। रोहतास, रोहतास जिला से। हाँ। सीओ पैसा खोजता है? हाँ। किसी भी काम के लिए? हाँ हाँ हाँ। तो आपका क्या कागज है जो जाता है तो पैसा मांगता है? मैंने जैसे हम दिए कागज मुख्यमंत्री भी। हाँ। मुख्यमंत्री दे दिए सासाराम एक ठो। हाँ। कलेक्टर के एक ठो सचिवालय में दे दिए। सभी कोई चिट्ठी दे करके हमको वहाँ से बुलाया है, हम यहाँ पर आए और फिर ले जाके उसको दिए। देखिए चिट्ठी दिए हैं रजिस्ट्री हमको, देखिए। हाँ। है सीओ भी आया है, रजिस्ट्री सीओ भी यही गया है सचिवालय से हमारा पास में। हाँ, एक ठो गया है, देखिए ये देखिए सीओ भी गया है। मतलब सब जगह से कागज आता है, सीओ का कागज काम नहीं करेंगे, पैसा दोगे तो काम करें, देख लीजिए यही कागज। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलने आए थे? मिले कहाँ, सब कोई तो पीट पीट कर कहने लोग, बोलता आप जाओ जाओ इधर से जाओ उधर भागो। तो यहाँ ठहराने के जगह नहीं है, मुख्यमंत्री के बुलाते के वो यहाँ दरवाजा में। मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं? हाँ, तब का है दरबार लगता है सोमवार को, हम लोग आए हैं। हाँ। तो बीच में ये तो नहीं मालूम है कि ऑनलाइन कराइए फलना कराइए, ये तो हमको अवगत नहीं हुआ है किसी को। अच्छा। ये तो अवगत नहीं ना दिए हैं हम लोग को। हाँ। अपना दरवाजा पर खाली टांग दिए हैं ऑनलाइन वाला। हाँ। पेपर में भी देना चाहिए, चाहे और कुछ समाज को कहना चाहिए, तब न जानते हम लोग। सोमवार के दिन भाई वो फरियाद देखते हैं, चलो सोमवार के दिन दरबार में चलो। और अब मिलने नहीं दिया जा रहा? ना मिलने, उधर से भगाता है लोग और उधर से भगाता है लोग। तो हम लोग को ठहरने वाला जगह कहाँ है पब्लिक के इनके पास में, हमको जगह बताइए। क्या कहना है मुख्यमंत्री से? हैं मुख्यमंत्री से क्या है कहना? हम तो मुख्यमंत्री के आपको कहबा ही करते हैं कि ठहरने का जगह नहीं है पब्लिक के, इधर से भी मारता है उधर से भी भगाता है। तो हम लोग कहाँ पैर रख के खड़ा होके हैं? अकेले हैं? नहीं नहीं, सारा जनता नहीं देख रहे हैं सब। आपके साथ कौन है? हमारा साथ, हम अकेले अकोड़ी गोला से आए हैं। अकोड़ी गोला से? हाँ। सीओ पर काम नहीं कर रहा ना? एकदम नहीं, यानी भ्रष्ट सीओ? भ्रष्ट लिखा हुआ है इसमें, भ्रष्ट पढ़िए, भ्रष्ट सीओ है ना? हाँ भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। कोई भी काम करवाना है तो एकदम बिना पैसा के, अगर जो 20,000-25,000 देता है तो दोपहरिये में गाड़ी जोत देता है, जो पैसा देता है उसको गाड़ियाँ। गरीब के अरे भागो ना यहाँ से, फिर समय नहीं है, कर लो आना परसों आना, ऐसे ही करता है, रटा रटा करके मार डाला है। तो देखिए, ये जो एक बुजुर्ग है उनका कहना है कि जो सीओ है वो काफ़ी भ्रष्ट है, जो पैसा देता है उसी का काम केवल करता है और बाकी लोगों को भगाता है, और कागज जाने पर भी लगातार कहा जाता है कि आपका कागज नहीं आया, फिर से आइए और कागज दीजिए। इनका कहना है कि मैंने तीन बार कागज दिया है और फिर भी सीओ के पास जाते हैं तो यही कहा जाता है कि आपका कागज ही नहीं है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।